Hallo? Ma? Ma? Mama, मैं मिठाई लाया हूँ। हाँ तो जाके किचन में रख दो, मामा जाके किचन में रखो, मैं फोन पर हूँ सुहेल। हेलो हेलो हेलो। खैर, मैं इतनी शक्की भी नहीं। सुनो, सुहेल का रिजल्ट आउट हो गया है। सुबह से तो मैं फोन कर रही हूँ। अखबार देखा है तुमने? सेकंड पोजीशन ली है उसने। भाई, बच्चे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जरा जल्दी आ जाना। रानू, मिठाई ले लो। मॉर्निंग हेलो अपने कमरे में। खबरदार, आइंदा से ऐसे दरवाजा बंद किया तुमने, जब देखो शोर करते रहते हो तुम लोग। नाक में दम कर दिया है। बाप वैसा बेटा। बेटा, आपने कब तक चेंज नहीं किए? तुम अभी थोड़ी देर में पहले थे। बाद में आगे तुम। हाँ, पापा कह रहे हो तुम। आपने फिर मारा है, मैं देखे ना। माँ, मगर ये चैन से टीवी तो देख रहे हो मुझे। भूखी न दीदी, मोटी। अब वो मुझे फिर मोटी कह रहा है। माँ भी तुम ज्यादा जबान नहीं चलाओ सोहेल। माँ, ये प्यार से रहने का ढंग नहीं है किस घर में। क्या किसी को प्यार? माँ, वो क्या होता है? होता है जो इस घर में नहीं है। बस अब चुप करके बैठ जाओ। मामा, पापा कब आएंगे? मुझे क्या पता कब आएंगे तुम्हारे पापा। उसे तो घर आने से चिढ़ है। पास ही तो किया है, कमिश्नर तो नहीं बन गए। निदा, जाकर अपने कमरे में पढ़ो, ये पढ़ने की जगह है क्या? फौरन उठो। चलो उठो, जाओ जाओ। गर्म हो? पापा ने तुम्हें जरा भी लिफ्ट नहीं कराई, मिठाई पड़ी पड़ी बात हो रही है। माँ, ये बैठ जाओ तुम भी। माँ, आई थिंक पापा आ गए। आने तो बच्चों, तुम्हारे लिए ट्रिकाई कराती हूँ। अरे चुप, मैं ज़्यादा पीती हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। हेलो, हाय पापा। माने बैठो बैठो भाई। Hasn't been a safe place for years. In 1996, एक तो लेट आए हो।
ऊपर से मुंह बनाकर बैठ गए हो। कभी कभार बच्चों की खुशी होती है बेटा सेकंड आया मैट्रिक में। नेदा, एक वक्त में एक काम किया करो, या टीवी देखा करो या पढ़ा करो। तुम कहाँ जा रही हो, बैठ जाओ। रानो, रानो चाय ले आओ। ये लो, मुंह मीठा करो। इस उम्र में मुझे ये चोंचले अच्छे नहीं लगते। चोंचले तो खैर आपको उस उम्र भी पसंद नहीं थे जब उम्र थी हमारी। अल्लाह जाने वो कौन खुशकिस्मत है। बच्चों का ख्याल कर लिया करो। तुम बहुत ख्याल करते हो बच्चों का। इधर आ भाई मिस्टर, आ जाओ। जी आ जाओ, आ जाओ। मुबारक हो भाई, तुमने तो बड़ा मार्का मारा है। बैठो बैठो। जी पापा, रिजल्ट सिर्फ 40% था। रियली? लेकिन मेरा ख्याल ये कि इसने कोई बूटी माफिया को पैसे लगा दिए अपनी अम्मा से लेकर के, वरना ये ऐसी तो कोई बात नहीं। शर्म करो सिकंदर, दिन रात तो मेहनत कर रहा है बेचारा, और तुम हो के भाई क्या करें। हमें तो यकीन नहीं आता कि आजकल के जमाने में और इस दुनिया में बूटी माफिया के बगैर भी कुछ काम हो सकता। माय गॉड, इस किस्म का तो सलूक सोतेले बाप भी नहीं करते होंगे अपने बच्चों के साथ। चाय बेगम साहब ले जाओ, चाय वाय हमें नहीं चाहिए। जी बेगम साहब। ले पापा। हैं, खा ले बेटा। हम जी अच्छा, चलो भी दिए, ये लो, जो हुक्म आपका। थैंक यू पापा, आई लव यू। आई लव यू टू। कौन बाप है जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता होगा। हैं, झूठ। भाई देखो, हमारे बड़े कहा करते थे कि बच्चों को खिलाओ सोने का नेवाला और देखो शेर की निगाह से। तो भाई सोने का नेवाला तो खिलाती है तुम्हारी अम्मा तुम्हें, शेर की निगाह से हम देखते हैं। ताकि दहशत से नेवाला ही गिर जाए। चाय में। हाँ शुक्रिया, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ भाई। अरे मिठाई दो, मिठाई दो उनको। आप भी मिठाई खाओ ना, आपके सोहेल मियां ने माउंट एवरेस्ट सर किए माशाल्लाह। रही वाह। कौन से कॉलेज में जाने का इरादा है भाई? अब आई थिंक मैं सोचता था गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊं और आपकी तरह इंजीनियरिंग करूं। क्यों नहीं, बिल्कुल सही। भाई मेरे ख्याल में तो आजकल सब कॉलेज एक ही तरह के होते हैं। रेप्यूटेशन भी तो काउंट करती है। CSP करेगा मेरा बेटा, या फिर बिजनेस, या फिर आर्मी फौज। नहीं पापा, मुझे प्री इंजीनियरिंग करनी है। और आप ही की तरह देख लो, सोच लो, घाटे का सौदा है ये। देखो भाई आजकल के जमाने में तो दो चीजें चलती हैं, सिविल सर्विस या फिर फौज, मैन एट देयर बेस्ट, या फिर बिजनेसमैन। पापा मेरी क्लास फेलो के अबू इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं, पता है उनके पास तीन तीन गाड़े हैं। भाई ये तो ठीक है, लेकिन देखो अगर बिजनेस करनी हो ना, इतना पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। 2x2=5 बस बात है। जी, और जो सारे लोग वो BBA MBA करते फिर रहे उनका, अरे भाई भेड़ चाल है। तुम्हारा क्या ख्याल है, अकबरी मंडी में ब्रांडर्स रोड के ऊपर सारे MBA BBA बैठे हुए? तुम तो कुएं के मेंढक हो। अकबर भाईजान कह रहे थे फ्यूचर में कंपटीशन होगी मल्टीनेशनल्स के साथ, वो तो अपने तीनों बेटों को जो है। अरे छोड़ो, बिजनेस होगा तो कंपटीशन होगा ना, जब बिजनेस नहीं होगा तो टके टके फिरेंगे और बिकेंगे ये MBA और BBA। मेरी हर बात को रद्द करना तुम्हारी आदत हो गई है। मैं तो अपने बेटे को बस CSP ही कराऊंगी। मां मुझे प्री इंजीनियरिंग करनी है, पापा की तरह बनना है मुझे। मुझे क्या, ये तुम जानो या तुम्हारा बाप? मेरी कभी इस घर में किसी ने सुनी है? हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती हैं ये खातून, पारा नीचे नहीं आता इसका। जी इधर आओ। रफ्ता रफ्ता अब तुम्हारी घर में दिलचस्पी बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। लोग दफ्तर से जल्दी आते हैं और तुम होके घर आने को अवॉइड करते हो। कितने इनविटेशंस आते हैं और हम कहीं नहीं जाते, और सारी शिकायतें मुझे ही फोन पर सुननी पड़ती हैं। ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि जहाँ किसी ने बुलाया ओशू की तरह मुंह उठा के चल।
सोशल लाइफ की भी एक अहमियत होती है सिकंदर साहब। प्राइवेट लाइफ की भी एक अहमियत होती है फौजिया बेगम। ऐसी प्राइवेट लाइफ जिसमें बीवी का गुजर तक ना हो। बोलते क्यों नहीं? भाई क्या बोलूं? कह रहा था ये टेप चलनी शुरू हो जाती है। भाई मैंने तुम्हें कभी रोका है कहीं जाने से? खुद मुख्तार हो, चली जाया करो। तो घर से बाहर क्या ज्यादा दिलचस्पियां हो गई हैं? ओफो फौजिया, तुम एक निहायत शक्की मिजाज औरत हो। तुम्हारे इस रवैये ने मुझे शक्की बना दिया है। बाहर जाओ ना, तुम्हें कमाई करना पड़े तो तुम्हें पता चले कि जिंदगी किस चीज का नाम है। जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। तुम अनोखे नहीं हो, सब गुजारते हैं जिंदगी, बस जी मिजाज ही नहीं मिल सके। क्या चाहती हो फौजिया तुम? क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? घर दिया है, दो बच्चे, अच्छा भला कमाता हूँ, अपना आप है, रफाकत है, और क्या चाहिए तुम्हें? बस मोहब्बत ही नहीं दी, ना बच्चों को ना मुझे। ये मेरी बदकिस्मती है। इसे लिए क्यों खड़ी हो? लटका दो अलमारी में इस बेजिस्म लाश को। वैसे ये कलोन हमारी टेबल पर नहीं है। खुदा की कसम फौजिया, यही है। मैं हमेशा से यही खुशबू इस्तेमाल करता हूँ, यही वाली, देख लो इसे। तो फिर बहुत खुशबू इस्तेमाल करनी शुरू कर दी आपने। मन के मुसम्मी सिकंदर एक अदद लाश है फौजिया बेगम, और अपनी लाश की बदबू को छुपाने के लिए कलोन लगाता फिरता। तो लड़ना चाहते हो? नहीं बाबा, मैं लड़ना नहीं चाहता। सारा दिन बाहर जिन लड़कियां आओ, घर में आओ तो ये हथियार उठा लेती है। भाई पापा हमेशा जाती करते हैं। जी नहीं मामा, हमेशा प्रेम करते हैं। मेरा ख्याल है दोनों एक दूसरे नफरत करते हैं। इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? मेरा ख्याल है पापा ही शादी करना चाहते ही नहीं थे। तुम्हें फिल्म याद है जिसमें? जी मोहतरमा, मेरा तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। अगर मेरी माँ बिस्तर मर्ग पे ना होती ना, और तुम्हारी माँ मेरी माँ की इतनी गहरी सहेली ना होती, और मेरी माँ ने मरते वक्त मुझसे आखिरी ख्वाहिश ना की होती, तो मैं बोलो बोलो क्या हो जाता? मैं कुमारी मर जाती, मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी तुम में। इस मौजूद और उस गैर मौजूद के दरमियान मेरी जिंदगी तो दोरा जहन्नुम बन गई। तो दे देते मुझे तलाक माँ के मरने के बाद। वैसे भी एक हफ्ता ही हुआ था ना शादी को। काश मुझ में इतनी अखलाकी जरूरत होती कि मैं अपनी मरी उमा से किया हुआ वादा। मैंने तो अपने आप को उस वादे पर कुर्बान कर दिया ना। ये कहो कि मेरी जायदाद और मेरी दौलत ने तुम्हें बांधा रखा है। क्या क्या? You're just impossible. आशिक मिजाज से तुम हो नहीं, लेकिन अगर फिर भी ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे बता देते। क्या क्या? भाई फिर इस फिल्म में दोनों बहन भाई गाना गाते अपने माँ बाप को ढूंढते हैं। हमारे साथ ऐसा हो गया तो? तुम मैट्रिक पास हो, वो तो छोटे छोटे बच्चे थे, हम मामा के पांव पड़ जाएंगे। अरे छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है, सब संभाल लूंगा मैं। तुम बताए पापा ने 500 रुपए दिए मुझे। अच्छा, तुमने मामा को नहीं बताया? नहीं, बताना भी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस, पर बताया क्यों नहीं भाई? अरे पगलौट, अगर बताने होता पापा उनके सामने पैसे ना देते। बताया तो कोई नया फसाद शुरू हो जाएगा। ये भी ठीक है, मुझे पहले से ही पता था कि पापा हमें अंदर अंदर से बहुत प्यार करते हैं। अरे कोई प्यार शायर नहीं करते, सीधा साधा बिजनेस लगता है ये। 500 रुपए देना, बेशक 500 रुपए ना ही देते, प्लीज गले से लगा कुछ प्यार तो करते। माँ में हमें ऊपर ऊपर से ही प्यार करती है। लेकिन भाई हम तो उनके बच्चे हैं, आपस में बेशक लड़ते रहे लेकिन हमें तो। अखले पापा जरूर कहीं और शादी करना चाहते हैं। तो फिर? तुम फिक्र ना करो, मैं इतना ख्याल रखती हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी जो तुम्हें हर हफ्ते कराची जाना पड़ता है? बस ऐसे ही है। फिर भी पता तो चले। तुम बीवी हो या तफ्तीशी ऑफिसर हो, मुझे तो खैर इन दोनों में कोई फर्क नहीं पता चलता। ठीक है, मैं अल्ताफ भाई से खुद पूछ लूंगी। जलील कराओगी मुझे उनके सामने?
अरे बाबा दफ्तर ही का काम है, दफ्तर ही का काम है। बहाने भी कन्विंसिंग होने चाहिए। खुदाया बाज़ोकात मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं दीवारों से सर टकरा कर मर क्यों नहीं जाता। परसों मैं भी तुम्हारे साथ कराची जाऊंगी। जलील करवा क्यों मुझे अल्ताफ साहब के सामने है? तो फिर सुहेल को ले जाओ। पिकनिक पे जा रहा हूं मैं। कभी कराची नहीं गया, समंदर ही देख लेगा। फौजिया मैं इसे सैर कराता फिरूंगा, वहां पे मीटिंग से मेरी। मैट्रिक पास किया है और शानदार तरीके से। मैट्रिक ने बेकार मारा मारा फिरता है, कॉलेज खुलने तक बिल्कुल आवारा हो जाएगा। सारा दिन तो मीटिंग्स नहीं होंगी ना, किसी दफ्तर के आदमी के साथ भेज देना उसको। फौजिया तुम्हें पता है, कुछ अकल की बात करो। कराची के हालात सुने हैं तुमने, क्या हो रहा है वहां पे? कराची से ज्यादा तो अब लाहौर खतरनाक हो गया है। कराची में तो अमन अमान है। मैं जानता हूं तुम क्या चाहती हो। तुम अपने एक जासूस को मेरे साथ भेजना चाहती हो ना, भेज दो भाई उसे मेरे साथ। तुम मैं भी वॉक पे चलूं तुम्हारे साथ? जी नहीं, शुक्रिया एंड थैंक यू। मुझे ऐसी बात नहीं करनी, पापा पिटाई कर देंगे। अच्छा अच्छा मैं अब चलती हूँ, मैं तो सिर्फ कैसेट सुनने आई थी। अरे थोड़ी देर तो रुको, I mean, I'll play another song. मैं लेट हो गया, आई एम रियली वेरी सॉरी। चलें कोई बात नहीं भाई। भाभी बहुत शर्मिंदा हूँ मैं आपसे सच। खैर भाई साहब, ऐसे मौके तो अक्सर आप पे आते रहते हैं। ये तो है भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सुहेल। अरे भाई इसमें मुबारकबाद की क्या बात है, सुहेल पाकिस्तान की तारीख में पहला लड़का तो है नहीं जो मैट्रिक में सेकंड आया हो। भाभी आपकी तारीख में तो पहला ही है और आखिरी भी एक ही है ना। भाई जीनी मैं बार बार कहूंगी, तुमने सब लाके बहुत तकल्लुफ की। तो कहे जाओ बार बार। देखा भाभी अपनी जिंदगी भी काफी विटी हो गई। आपके साथ एक उम्र जो गुजारी है भाई। सिकंदर साहब आपने भी तो एक उम्र गुजारी इनके साथ। जी वैसे मेरे सुहेल ने भी लेट बोलना सीखा था। कुछ आप भी तो कहें भाई साहब। क्या कहूँ भाभी मैं, भाई इन्होंने मुझे सुनने की आदत डाल दी है, सो सुनता रहता हूँ। भाई बात यह है कि हर शरीफ खाविंद को ये आदत पड़ी जाती है। ये तो सच कहा आपने। बात है भाई चलो ना, सब इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से आ गई? थैंक्स फॉर द केक। लो खामखा मेरा शुक्रिया अदा करो, मम्मी लेकर आई थी। लो और तुम मेरे लिए क्या लाए हो? मुझे कुछ लाना चाहिए था। ये खुद जो आ गई हैं, अब चलो भाई। अभी तो चाय भी नहीं आई होगी, थोड़ी देर रुको भाई। चाय आ गई है और पापा भी। ओह गॉड,
पहले क्यों थे पापा आ गए? मेरी बात सुनो नाजी, एक मिनट। अब लेट्स गो। मेरी बात सुनो। चलो चलो भी। और क्या बातें कर लो तुम लोग? बता रही थी भाई, मुझे तो ये बच्चों की फ्री मिक्सिंग बिल्कुल नहीं पसंद। I just don't like it। भाभी ये तो डिश एंटीना का जमाना है और हमारी सारी कदरें उलट पुलट हो गई। वो तो है। तो बच्चों को कैसे रोका जा सकता? यही तो मसला है। मगर तुम तो बहुत लिबरल थी, अब इतनी भी नहीं जीनी के। आपका क्या ख्याल है सिकंदर सर? मेरा ख्याल ये है कि ये एक वाहिद पॉइंट है जिस पर मैं और ये दोनों मुत्तफिक हैं। निदा निदा, अब ये देखें ये भी जाके वहीं बैठ गई। मैं देखता हूँ, होल्ड ऑन, मैं देखता। लीजिए ना भाई, आप भी प्लीज कुछ लीजिए। See what he does. I can't do this. वो जी पापा, हम मामा की वजह से मिस्टर हर चीज अपने वक्त पे अच्छी लगती है और बास चीजें अपने वक्त पर भी अच्छी नहीं लगती। कराची जाकर पापा को बिल्कुल तंग मत करना। किसी बातें कर रही हूँ, पिटवाना है क्या? भाई क्या लाओगे मेरे लिए कराची से? निदा कोई लंदन तो नहीं जा रहा ना? कौन सी चीजें जो यहाँ लाहौर में नहीं मिलती? ये तो यूं जा रहा है जैसे लंदन। साहब जी बार बार में बैठे इंतजार कर रहे हैं सुहेल मियां का। रानो उनको तो हमेशा घर से जाने की जल्दी रहती है, अभी बहुत टाइम है, फ्लाइट में कौन आ रहे हैं। और सुनो सुहेल, अपनी पसंद की शॉपिंग करना, ठीक है? ओए होए, बड़े पैसे जैसे मिल रहे हैं भाई, संभाल के रखना, कोई चोर ही ना। तुम जाओ और पापा को खुदाफिज करो। जब देखो पीछे पीछे फिरती रहती हो। और खबरदार किसी से कुछ कहा, हम दोनों माँ बेटा प्राइवेट बात कर रहे हैं। और सुनो सुहेल, रात को सोने से पहले हर रोज मुझे फोन कर लेना, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, किन किन आंटियों से मिले, सब कुछ मुझे बताते रहना। हमारी आंटियां भी कराची में? अरे पता नहीं, यही तो पता करना है कि हर हफ्ते कराची क्यों चले जाते हैं। मगर सुनो, ये किसी को पता ना चले, ये हम दोनों की प्राइवेट बात है। बिल्कुल नहीं, आप देखिए तो सही, सब समझता हूँ मैं। हर मिनट पर एक एक आंटी रिपोर्ट दूंगा आपको, कैसी हैं। और देखो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, कहीं तुम अपने पापा की तरह मुझे। अरे बिल्कुल नहीं, आप ही का बेटा हूँ। चलो ठीक है, अब देर हो रही है, चलते हैं। इश्तियाक सर बस ठीक है, मैं फ्रेश अप होकर आ जाता हूँ, फिर चलते हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है सर, मीटिंग तो आफ्टर लंच कोई 3-1 बजे रखी है। आप आराम करें प्लीज। हालात कैसे हैं कराची के? सर आपने डिग रोड पर मुलायदा नहीं फरमाया, जिंदगी कैसी रवा दवा है, चेहरे भी अशाश बशाश नजर आने लगे हैं। सर कुछ मखसूस इलाके हैं जहाँ गड़बड़ हो जाती है, वैसे अब लोग पहले से काफ़ी समझदार हो गए हैं। चलो अल्लाह का शुक्र। भाई असल में वो सुहेल आया हुआ है ना साथ, तो मैंने सोचा था पहली बार कराची आया, कम से कम घुमा पर आते हैं उसको। वाइन सर ये भी कोई बात है। तो सर गाड़ी आपके पास रहेगी, ड्राइवर भी यही रहेगा, ठीक है? सपहर के बाद मैं खुद आके आपको ले जाऊंगा। ओके थैंक्स सर। मैं चेक इन करा। नहीं 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 अरे बस ओके सर, खुदा हाफिज़।
अभी तो गए नहीं सर आप? वो तो पिछले हफ्ते की बात थी भाई। अच्छा अच्छा चलो चलो सुहेल जी। अपा और तुम्हारा तुम वाकई नहीं देखा। जमाने गुजर गए। And you are as beautiful as ever. What are you staring at, young man? अरे ये मेरा बेटा है सुहेल। Oh, I'm so sorry. आदाब करो। आदाब आंटी। Idiot. ना, मत डांट तू। कितना प्यारा बच्चा है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? भाई दो हैं, एक बेटी है इससे छोटी, दो तीन बरस। माशाल्लाह, इसकी उम्र में अगर दो तीन साल शामिल कर दिए जाएं, तो हमारे बिछड़ने का साल निकल आता है। मैट्रिक किया इसने, कहता है इंजीनियरिंग करूंगा। गुड। नीलोफर, यकीन नहीं आता इतनी सदियों के बाद हम तुम। आई नो। ये सीक्वेंस अगर हम किसी फिल्म या ड्रामे में देख रहे होते तो ये कहते कि राइटर ने चांस मीटिंग जानबूझ के क्रिएट किया है। मैं तो अक्सर कराची आता रहता हूँ, लेकिन तुमसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। हम यहाँ होते ही नहीं। अब तुम्हारी बेगम कहाँ है? कहाँ होना था उसने, लाहौर है और कहाँ होती? हमसे कभी मिलाया नहीं तुमने? उससे मुलाकात ही कहाँ हुई उसके बाद। वाकई सर, मैं सामान कमरे में ले जाऊं? हाँ एक मिनट रुक जाओ। हाँ भाई, तो फिर तो फिर क्या? हम यहाँ ही ठहरे हुए इसी होटल में। एक्सेलेंट। तो बाद में खाना इकट्ठे खाते हैं? ओके वाइन। ओके तो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। हाँ ओके ओके आंटी। ऑलराइट सी यू।
اندر رکھو اوپر کے خانے میں. اور یہ رہا, یہ ادھر نہیں, یہ تمہارے کپڑے ہیں, تو والے سائڈ پر رکھو. یہ کوٹ بھی ادھر کر دو. ہاں یہ ادھر ہینگر. اوکے دیٹس رائٹ. اچھا سنو, فریش اپ کرو جلدی سے. اوکے 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 ماسٹر. چلیں جی بابا, چل لیٹس گو. بابا یہاں کتنا آپ کو ہم کیوں کہتے ہیں؟ بگو نہیں, سوری. کیا ہوا؟ کچھ نہیں پاپا. چلو پاپا ایسے کریں, آپ جائیے پاپا پلیز. مجھے بہت سٹفی فیلنگ ہو رہی ہے, پورا بدن چپ چپ کر رہا ہے. جلدی آنا, آپ جائیے. جی ہم روم 405 سے بول رہے ہیں, وہ کھانا منگوایا تھا. 15-20 منٹ ذرا جلدی کر دیجیے, شکریہ. آؤ. میں ہمیشہ وہی خوشبو استعمال کرتا ہوں, تمہاری فیوریٹ. اور ہم تمہاری خوشبو استعمال نہیں کرتے, پہنتے ہیں اچھے لمحوں اور خوبصورت یادوں کی طرح پہنتے رکھتے ہیں. یہ لباس بھی تو وہی ہے نا. روز پہنا تھا نا جس
जिस रोज तुमने हमसे हाँ मुझे याद पर तुमने अब तक के लिए बस यहां से जाके हम काफी जज्बाती हो गए मेलोड्रामेटिक किस्म के वरना हमने तो काफी अरसे से रंग पहनने छोड़ दिए अब सिर्फ सफेद लिबास पहनते हैं क्यों क्यों नहीं खबर तुम्हें पे तो रंग बहुत अच्छे लगते थे फिर क्यों यूं ही ये बदबخت रंग बड़े उद्दम मचाते थे कितनी अजीब बात है जब इंसान अपने वजूद में बनवास लेता है ना तो रंग भी कफन ओढ़ लेते हैं और इस्लाम में हम जिंदा हैं छोड़ कोई और बात करो वैसे हम भी काफी बातूनी हो गए ये औरत बड़ी सेंटिमेंटल शय होती है यादों की तरह अब्सर्ड यादों को कोई बांटने वाला ना हो ना तो अजाब बन जाती है ये यादें वाकई बात इतनी सी है जब भी हम तुम्हारे मुल्क आते हैं ना कराची जरूर आते हैं इसी होटल में रहते हैं चंद घंटों के लिए यही लिबास पहनते हैं और जिंदगी को जज्ब करके वापस चले जाते हैं मैं भी जब यहां आता हूं मैं अक्सर आता हूं मैं यहां तो यहीं ठहरता हूं वैसे हमारा रेस्ट हाउस है यहां अच्छा खाने का ऑर्डर दे दिया तुमने हाँ तुम्हारी फेवरेट डिशेस मंगवाई है आया नहीं हूं आ जाएगा आओ आओ सुहेल आओ बैठो लवे मास्टर तुम किधर रह गए थे सॉरी पर मैं नहाने लग गया था यहां का मौसम चिपक जाता है क्यों आंटी बिल्कुल अच्छा भाई तुम हो कहां हम उसके बाद ही मुल्क छोड़ के चले गए लंदन में रहते हैं अब्बा की तो रिटायरमेंट के बाद ही डेथ हो गई अम्मा को हम साथ ले गए अब कभी कभार पापा को मिलने आते हैं तो अम्मा आई हैं इस बार साथ क्या नहीं उनसे अब इतना लंबा सफर नहीं होता लाहौर नहीं आई तुम उसके बाद फिर हैं उस कातिल शहर से क्या लेने आते लो वाह आंटी हमारा शहर कातिल क्यों चुप करो तुम अरे ये बड़ों की बातें में तुम क्यों बोलने लगे सॉरी पापा ऐसे डांटते हो मत डांटा करो बच्चे कुमला जाते हैं अच्छा एक बात थी तुम मानोगी हमने कब कौन सी बात आपकी नहीं मानी तुम्हें याद है एक दफा हम कॉलेज के साथ आए थे यहां यहीं ठहरे थे इसी होटल में और हम तुम दोनों आइसक्रीम खाने चले गए थे कॉफी बार में और घंटों आइसक्रीम ही खाते रहे थे याद है और जरा जरा नहीं काफी तफसील से याद है अच्छा तो फिर आइसक्रीम क्यों ना खाई जाए सुहेल क्या ख्याल है बिल्कुल चले लेट्स गो ये
लो भाई, आज तो कुछ और लोग हमारी जगह बैठे हुए हैं। तारीख अपने आप को दोहरा रही है। उठा ना दे इनको यहां से। जालिम ना बनो, ना जाने यहां पे दोबारा बैठ सकेंगे या नहीं। ठीक है, वहां बैठे चलते। चलो कब तक हो तुम यहां? आज रात 2:30 बजे तक। वाया दुबई जा रही हूं, उसी फ्लाइट से जाती हूं। कराची तो आना होता है। यादों के मजार पे फूल बिछाने एक अजीब किस्म का रिचुअल है। न जाने कौन लोग हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह बातें कर रहे हैं, जैसे हमारी खातिर दुनिया उलट देगा। और लड़की उस अहमक से कहो मोहब्बत के चक्रों में ना पड़े, वहां चक्कर में पड़ जाएगी। और फिर ए लड़की, इस लम्हे को जंजीरों में बांध दे, फरना कीजिए माँ, आप नहीं होंगे वो, लेकिन ये मोहतरमा तो वही है। ओए ओ मीने केकड़े तू लगू बुलसर अमीर तू? जी महारानी मैं। यार वैसे तो खासा बदल गया, मेरा मतलब है शैंपू का खर्चा तो बड़ा कम होता होगा। हाँ, शैंपू का कम होता है, साबुन का बढ़ गया, यहाँ तक मुंह धोता है। नहीं बदली तो ये महारानी नहीं। बैठ तो सही ना तू। भाई वाह, आज तो अजीब इत्तफाकात हो रहे हैं। हाँ भाई, कातबे तकदीर के लिखे हुए स्क्रीन प्ले में इसी तरह के इत्तफाकात होते हैं। यार फुल सेट। बेटा है सुहेल। हेलो हेलो यंग मैन। रिजल्ट के बाद आज नजर आयो। हाँ भाई, क्या बताओ, बस ये रोजी धंधे का चक्कर है। जो कराची आया बस यहीं का होकर रह गया, पंजाब जाने का इत्तफाक ही ना हुआ। ये जो गमे दौरा है ना यार, फुल सेट।
दरअसल बेटा बात यह है कि हमारी क्लास में एक और सिकंदर होता था जो पस्ता कद था, तो उसको हम हाफ सेट करते थे, तो लिहाजा ये फुल सेट। कमाल है भाई, अगर मैं रिसेप्शन से वापस चला जाता तो ये ईद ना होती, लेकिन चूंकि तुमसे मुलाकात मुकद्दर में थी यार, फुल सेट यार, तुम ही मेरा पता कर लेते। इंसान अपने आप में खो जाए तो फिर कहां कोई याद रहता है। वाह वाह भाई वाह, यानी मुकालमेबाजी की आदत अभी तक ना गई महारानी। फुल सेट। मेरे ख्याल में यार कहीं और चलते हैं, यहाँ पे खुल के बात नहीं हो सकती है। ये नहीं मानने का भाई, चलो चले, सोहेल योर आइसक्रीम विल बी कमिंग, तुम खत्म करके आ जाओ। हाँ चलो जी, सी यू लेटर। तेरी और इस महारानी की खातिर यूनिवर्सिटी में किस किस से लड़ाई नहीं हुई, कहां कहां मैं जलील नहीं हुआ। कहीं तो बॉक्सिंग काम आई तुम्हारी। देख बीने बात यार, तुम छोड़ो यार, मैं तुम दोनों पे बहुत नाराज हूँ बस। क्यों? क्यों यार, शादी पे बुलाया होता, सारी जिंदगी तुम्हारे इश्क की गवाही देता रहा तो निकाह पे भी दे देता है। कार्ड नहीं छपवाए थे यार? आजकल तो लोग स्वयं और 40वें के भी कार्ड छपाने लगे हैं। तो मीने, तो मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? भाई मेरी तो यही आदत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बस में होता तो हम टीवी पर इश्तिहार देते हैं, इनका तो पता नहीं, लेकिन हम अच्छा, ये हम अभी तक जारी और सारी है महारानी है। वैसे यार अब तो हक भी बनता है, क्योंकि अब तुम दो नहीं हो, अब तो बाल बच्चों वाले हो है? यार वो क्या था, वो क्या नाम था उसका, वो जो अपने आप को ब्रूस ली समझता था, वो ही प्यादा टाइप यार, वो क्या था? क्या मुझे नहीं पता यार, नहीं पता मुझे, वो लड़कियों की कटलरी यार, क्या था? नहीं मुझे नहीं पता। कौन? तुम्हें तो पता होगा क्योंकि तुम्हारे इश्क में उससे ज्यादा और कोई जलील नहीं हुआ। वैसे यार सिकंदर तुम्हारे से ज्यादा हैंडसम था, बूटा सा कद, यानी कि फुल बूटा सा कद है, और इश्क में तो मुझे इससे ज्यादा सीरियस लगता था। पता नहीं कहां से तुम्हें ये लंबू पसंद आ गया। निराले होते हैं दिल आने के ढंग। क्या गाना था वो? निराले होते हैं दिल आने के ढंग। आफ्ताब, आफ्ताब, आफ्ताब रू खिच। बेचारा बड़े मजेदार लतीफे सुनाया करता था हमको। कहां कहां बेचारा जलील नहीं हुआ, कहां कहां से मारनी उसने खाई, तक शॉप पर बड़ा रिकॉर्ड लगता था उसका। बेचारा बड़ा अच्छा था वो, और शायद वफा भी थी उसमें। ओए नीली, ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे कितने? इनसे पूछो। अरे जनाना सवाल है, तुम मर्द से कैसे पूछो? दो हैं भाई, एक एक बेटी भी है निदा। और मीने तो मेरी बात सुनेगी? हम तो मीने की बात सुनेंगे, ना जाने दोबारा मुलाकात कब होती है ना। क्यों ना मिल्क शेक पी जाए। ये मेरा ख्याल बहुत अच्छा है। फॉर ऑल टाइम सेक मिल्क शेक मंगवा लो। सुने प्लीज, देखिए दो मिल्क शेक ला दीजिए प्लीज। थैंक यू। कंजूस मक्खी चूस दो मिल्क शेक। क्या यार, तुमने भी आज तक कभी नीलू भर के अलावा किसी और पर टका खर्च नहीं किया? मैं तुझे बता रहा हूँ, ये टक शॉप नहीं है, मैं तो चार मिल्क शेक के गिलास पीऊंगा इकट्ठे। पागले, मैं देख रहा हूँ रंग पीला। कोई चल चल, कोई बात नहीं, मेरी कंपनी का सेमिनार यहाँ हो रहा है तो मैं ये सब बिल उसके खाते में ही डाल दूंगा। खाओ पियो ऐश करो मेरी जान पर है। ये कॉलेज में भी फंड्स खाता था, क्लब्स के और यूनियंस के, याद है कि नहीं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गई? तुम बिल्कुल नहीं बदले। वैसे तुमने नहीं बताया तुम्हारे बच्चे कितने हैं?
इस सवाल पे बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ मैं। I'm sorry, शादी नहीं हुई क्या? नहीं नहीं हुई है, क्या बताऊँ, एक फौज जफर मौज है। अरे आप दोनों जो है वो मेरे घर खाना क्यों नहीं खाते? मेरे बीवी बच्चे आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। इन्हें मेरा मतलब है कि नीलोफर नहीं 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 तो बस इसमें क्या, आप जल्दी जल्दी खाना तो नहीं खाते? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो बस ठीक है, मैं 9:30 बजे, हाँ ओके, मैं 9:30 बजे आके तुम लोगों को ले जाऊँ। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, मेरा फोन कॉल है, हम इंतजार कर देंगे। हाँ ठीक है, तुम तैयार रहना, मैं 9:30 बजे आऊंगा। नीलोफर मेरा ख्याल है हमें उसे बता देना चाहिए था, वो बेचारा समझ रहा है तो कि मैं एक इम्कान का लम्हा हकीकत का सराब बन रहा था। तुम एंजॉय कर रही थी इस सिचुएशन को? सिचुएशन को नहीं, तुम्हारी कैफियत को। ये सच तो नहीं था ना नीलोफर? सच हो तो सकता था। वो मीना कितना खुश था इस खुशफहमी में। तुम ज्यादा परेशान मत हो, बाद में आएगा हम सब बता देंगे उसे। तुम चलोगी डिनर पे? फ्लाइट है तुम्हारी, लेट ना हो जाओ। रुक नहीं सकती तुम? शायद सामान साथ रख लूंगी, मूड बना तो। खैर छोड़ो, चलो अभी खाना खाने चलते हैं, सुहेल इंतजार कर रहा होगा, उसे बड़ी भूख लगी होगी, उसे समंदर भी दिखाना है। उसके बाद तुम मीटिंग पे चले जाओगे और सुहेल और हम ऐश करने जाएंगे। चलो अब तो शादी शुदा हो, मुंह हाथ धोने की क्या जरूरत, कौन देखेगा ये शक्ल? हाँ खैर ये तो ठीक है, ये मुंह अब किसी को दिखाने के काबिल तो नहीं। नहीं तुमने शादी क्यों नहीं की? हमें कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन ये माशरा, इसलिए तो हम तुम्हारा मुआशरा ही छोड़ के चले गए, जो एक गैर शादीशुदा औरत की जिंदगी का बबाल बन जाता है। मुआशी तौर पे भी हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें शादी जैसे तहफ्फुज़ की जरूरत नहीं। लेकिन नीलोफर बच्चे, ख्वाहिशें, देखो सिकंदर, इंग्लिस्तान एक खासा सर्द मुल्क है और हमने उसकी सारी सर्दी अपने वजूद में समेट ली है। एक तुम ही थे जिसकी वजह से हमें ख्वाहिशें थी, तुम्हारे बगैर हर लम्हा हर ख्वाहिश बेमायने हो गया, मुंजमत हो गया। Idiot. बच्चे को डांट के अपनी शर्मिंदगी दूर कर दोगे? देखो सुहेल हमारा बच्चा नहीं है, लेकिन इसे मत डांटो, इसके दोस्त बनो, बहुत हसास बच्चा है, खराब हो जाएगा। सुहेल, सुहेल, be careful, come back.
Be careful, the waves are very strong. आप डर गए, मैं तो बहुत अच्छा स्विमर हूँ. अच्छा जाओ, डोंट गो इन टू डीप दो. ओके. तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छे तैराक थे, हमें भी ले डूबे. ये समंदर का पानी भी जख्मों के लिए अजाब होता है. और आंसू वो समंदर नहीं होते, उसी तरह नमकीन, उसी तरह. खैर छोड़ो, डोंट बी मेलोड्रामेटिक, डजंट सूट यू. कोई और बात करो. क्या बात करें ये लोग, कोई और बात करने के लिए है ही नहीं अब. क्यों, दो प्यारे प्यारे बच्चे, यू आर अ हैप्पीली मैरिड मैन, व्हाट एल्स डू यू वांट? और क्या चाहते हो तुम? You know it very well that I am not a happily married man. तुम्हें पता है नीलू, मुझे नफरत है फौजियत से. मुझे तुम मर्दों की समझ नहीं आती. बीवी पसंद नहीं होती इस हद तक के नफरत करते हो, लेकिन बच्चे पैदा करे जाते हो. नीलू पर बात सुनो मेरी. नीलू पर रुक जाओ. प्लीज मत जाओ ना, आज रुक जाओ, आज रुक जाओ. क्यों, मेरे रुकने से क्या वक्त रुक जाएगा? देखो तुम्हें वो दिन याद नहीं है जब तुमने मुझसे कहा था कि मिस्टर सिकंदर, जिंदगी एक फिल्म की रील नहीं होती कि जब चाहे पहले सीन से शुरू कर दी जाए. ये क्यों नहीं हो सकती? ऑलराइट, मैरी मी, शादी कर लो मुझसे. क्यों मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं. प्लीज प्लीज कर लो ना शादी मुझसे. Why can't you marry me? क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे शादी? और वो औरत, तुम्हारी बीवी, उसका क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है उसका, मैं कब कहता हूँ उसका कसूर है. लेकिन तुम तो मेरी मोहब्बत हो. ठीक, तुम तो यही कहा करते थे ना. देखो नीलूफर, तुम्हें पता है उस शादी में मेरी मर्जी का कोई दखल नहीं था. अगर मेरी मर्जी है या थी तो मैंने भी शादी नहीं की. जहां तक तुम्हारी मर्जी का ताल्लुक है तो तुम जानती हो कि मेरी मजबूरी थी. मेरी मजबूरी थी कुछ तो थी मजबूरियां. हमने कुछ पूछा, कुछ कहा, कोई गिला शिकवा शिकायत. आई हैव द लॉ ऑन माय साइड. मुझे कानून हक देता है इस बात का कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ. हमें भी हक है कि हम ना करते. नीलूफर प्लीज, क्यों मुझे बर्बाद कर रही हो? किस लिए? अपनी बर्बादी का बड़ा फिक्र है. देखो सिकंदर, एक और गलती करके अपनी जिंदगी को और उलझन में मत डालो. लाइफ इज टू शॉर्ट, डोंट कॉम्प्लिकेट इट. ठीक है ना? चलें, फिर वापस चला जाए. हाँ, यहाँ से तो वापस जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से वापस नहीं जा सकते जहाँ से तुम जाना चाह रहे हो.
सुहेल सुहेल ये लो तुम्हारे मैट्रिक में सेकंड आने का इनाम। अरे थैंक यू आंटी। थक गए? अंकल अमीन के डिनर पे नहीं जाना? नहीं नहीं आंटी मैं बिल्कुल नहीं थका। आज तो बहुत मजा आया, इतना मजा और कभी नहीं आया। हमारी मम्मी तो हाँ, हम भी बहुत खुश हैं, इतने खुश कि बहुत ही खुश हैं आज। आंटी आपने इतनी सारी शॉपिंग करा दी, पापा मुझे बहुत डांटेंगे। अरे आपके पापा की ऐसी की तैसी। आंटी काश आप मेरी मामा होती। क्या क्या कहा तुमने? काश आप मेरी मामा होती तो कितना मजा आता। क्या कह दिया तुमने? हमें इसी लम्हे का डर था
अब हम यहाँ नहीं ठहर सकते। एक पल भी नहीं, हम अपने आप से हार जाएंगे। मगर आंटी आपको अच्छा नहीं लगता अगर आप मेरी, हम अपने आप से हार जाएंगे। लगता बहुत अच्छा लगता। अब हम क्या करें? अब आप अंकल अमीन की डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। आंटी क्या आप बाकी चले जाएंगे डिनर के बाद? हाँ हम चले जाएंगे, बाकी चले जाएंगे। आंटी मुझे बहुत अच्छा लगा आप तीनों की दोस्ती। कितना अच्छा वक्त गुजारा होगा कॉलेज में आपने। मैं भी कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूँ। पता है सुहेल, जिंदगी के कठिन रास्ते तय करते हुए पीछे से जो आवाजें पुकारती हैं ना, वो आवाजें मायूसी, नाकामी और पछतावों की होती हैं। हाँ अच्छा आंटी, मैंने भी स्कूल में एक ऐसी कहानी पढ़ी थी जिसमें जो पीछे देखता था पत्थर का बन जाता था। हाँ चाहे आवाजें कितनी पुकारे, चीखे चिल्लाएं, इल्तिजा करें, कभी मुड़ के नहीं देखना चाहिए। हमेशा सामने देखते हुए चलना चाहिए। उन्हीं रास्तों पे सुबह होती है, सूरज निकलता है। राइट राइट। अच्छा I better go and pack. अरे आंटी कहाँ जा रही हैं आप? आपकी फ्लाइट तो कल है। आंटी आप अभी से पैकिंग कर रही हैं मगर आपकी फ्लाइट तो? हम अभी जा रहे हैं। मगर अंकल मीन का डिनर? हम डिनर पे नहीं जाएंगे। दरअसल तुम्हारे एक्साइटमेंट में हम भूल गए थे कि हमने चंद रिश्तेदारों को भी मिलना है। उनको मिलके हम सीधा एयरपोर्ट चले जाएंगे, ठीक है ना? नहीं आंटी बिल्कुल ठीक नहीं है, हम एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। नहीं ऐसा मत करना और अपने पापा से भी कहना मत आए। मगर क्यों आंटी क्यों? हम पत्थर के हो जाएंगे। आंटी आप बहुत याद आएंगे। तुम भी बहुत याद आओगे। नहीं सच ताजी बहुत मजा आया, इतना मजा कभी नहीं आया। हाँ नहीं नहीं मैं सब कल आके बताऊंगा। हाँ हाँ कुछ उदास भी हूँ। हाँ हाँ कुछ तुम्हारे वजह से भी। नहीं नहीं सच मेरे पापा तो बहुत केयर आदमी है, बहुत मोहब्बत करने वाले, खुदा की कसम। नहीं कल रात की फ्लाइट से। हाँ चलो ओके खुदा हाफिज बाय बाय। हेलो निदा। ओ मम्मा। हाँ मैं सुहेल। हाँ यहाँ बहुत बोर रहा हूँ। हाँ सारा दिन मीटिंग है ही मीटिंग है, अभी मीटिंग में है वो, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के आया हूँ, पापा ने बहुत बोर किया। लो मामा कौन सी आंटी वांटी, कोई आंटी होती तो उसी वक्त आपको फ़ोन करके बताता। हाँ हाँ बस शॉपिंग कल करूँगा। ओके बाय फ्रेंड्स।
चलो 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 डिनर पे चलना है, लेट हो गए, तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ। किधर गई आंटी तुम्हारे? ये औरत कोई भी हो तैयार होने में वक्त जरूर लेती है। हाँ हेलो, क्या बात, चुप क्यों? अब्बा आंटी चली गई। चली गई क्यों, क्या हुआ, कहाँ चली गई? कह रही थी कि उन्हें कुछ रिलेटिव से मिलना था जरूरी, उसके बाद सीधा एयरपोर्ट चली जाएंगी। चलो एयरपोर्ट चलते हैं। माँ अब उन्हें साथी से मना किया कि हम एयरपोर्ट ना जाएं, और ये आपके लिए। तैयार हो जाओ, अंकल अम्मी लेने आ जाएंगे हमको। पापा क्या अभी भी डिनर पे जाना है? हाँ जाना है, बिकॉज इसलिए कि लाइफ मस्ट गो ऑन। पापा I love you, Papa. I love you too, my son.